क्यों बंद है? हैं? लाइट क्यों बंद है? कहाँ की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान में रहते हो क्या आप? हाँ, मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कब से रहने लग गए? आप ही से? आज ही से है? आज ही से। आज ही से? हाँ। इंडिया में क्या कर रहे हो पाकिस्तान में? कुछ भी कर रहा हूँ भाई। है? कुछ तो कर ही रहा हूँगा। अच्छा। हाँ चलो, पाकिस्तान से तंका मिलती होगी सर आपको? हाँ है? वही से मिलती है। हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से मुझे सैलरी मिलती है और मैं पाकिस्तान में ही काम करता हूँ। ये शब्द आपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में अब तक सुन लिए होंगे, लेकिन इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि राजगढ़ में एक ऐसे बिजली कर्मी भी है जो पाकिस्तान से सैलरी पाते हैं, और हम कहने में जरा भी गुरेज नहीं करेंगे कि सर आप भारतीय कर्मचारी हैं, लेकिन आप भारत के राजगढ़ जिले में रहकर अगर ये सब बातें कर रहे हैं तो ये बातें शर्मनाक है। ये बातें इसलिए शर्मनाक हैं क्योंकि आपको भारतीय सरकार रुपया देती है, पैसा देती है किसानों की सेवा के लिए, बिजली को देने के लिए, और आपको समय समय पर बिजली आपने क्यों नहीं दी, ये किसानों को पूरा हक है जानने के लिए। और अगर आप इस हक का जवाब नहीं दे सकते तो आप खुद को पाकिस्तानी भी नहीं बता सकते। अगर कोई भारतवासी ये कहे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान से सैलरी मिलती है तो बहुत शर्म की बात है मोरे, ये वाकई में शर्म की बात है। और हम कहना चाहते हैं कि राजगढ़ के माचलपुर का क्षेत्र है जहाँ से ये बिजली कर्मी की रिपोर्ट आई है, हम इनका नाम भी बताएंगे, हम इनकी पूरी डिटेल भी बताएंगे और पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाएंगे। पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा रिकॉर्डिंग का, और पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जनता ये डिसाइड करेगी कि ये बिजली कर्मी सही थे या गलत थे। एक किसान अगर इनको फ़ोन करता कि सर लाइट क्यों चली गई है, ये सवाल करता, तो क्या बिजली कर्मी उठा के ये बोल देते कि लाइट क्या पाकिस्तान में गई है क्या? आप बिजली कर्मी की पूरी इस पूरी रिकॉर्डिंग को आप जब सुनेंगे तो आप पाएंगे, तो आप हकीकत को पाएंगे, और आप देखेंगे कि पहले मीडिया कर्मी ने बिजली कर्मी से बात की नॉर्मल किसान की तरह, तो सुर पूरे बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन जब मीडिया कर्मी ने बोला कि मैं पत्रकारिता करता हूँ और मैं मीडिया से हूँ, तो बिजली कर्मी के सुर पूरी तरह से बदल जाते हैं। यकीन मानिएगा सर, हमारे राजगढ़ के ऊपर एक धब्बा है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिजली कर्मी गलत है। बिजली कर्मी हो सकता है कि मजाक मस्ती के मूड में हो और ये बोल दिया है कि सर क्या पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान की लाइट गई है क्या? गई तो इधर उधर की क्षेत्र की है, आप क्षेत्र बताइए, शायद इस सेंटेंस में बिजली कर्मी बोल रहा हो। लेकिन किसी भी विद्युत कर्मी को, किसी भी इंसान से इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो विद्युत कर्मी है वो प्रशासनिक पद पर बैठा है, और प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ आदमी एक किसान की मजबूरियों को समझना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के लिए बना है, वो आम आदमी के लिए बना है। और ये राजगढ़ का मामला है, राजगढ़ के माचलपुर का, इसलिए हम इस खबर को प्राथमिकता से उठा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में राजगढ़ में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की बदतमीजी ना करे। अगर इस तरह की बदतमीजी करेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने फल को पाएगा। और यकीन मानिएगा सर, बहुत दुख हुआ है, अगर कोई राजगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी ये बोले कि मैं पाकिस्तान से सैलरी लेता हूँ, कोई राजगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी ये बोले कि मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ, कोई राजगढ़ का प्रशासनिक अधिकारी ये बोले कि पाकिस्तान में मेरी ड्यूटी लगी है, तो यकीन मानिएगा ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है सर। इसलिए गलत है क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, आपकी भारतीय सरकार में जॉब लगी है और आपको उस जॉब की इज्जत होनी चाहिए। अगर आपको उस जॉब की इज्जत नहीं है तो आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो सकते। ये जो पूरा वीडियो है, ये जो पूरा ऑडियो है, आप पूरा सुनिएगा। हेलो सिलवान, नमस्कार। नमस्कार, आप है क्या? अभी कोड़किया में हूँ। ये लाइट क्यों बंद है? हैं? लाइट क्यों बंद है?
कहाँ की? पाकिस्तान की है? कहाँ की? पाकिस्तान में रहते हो क्या? हाँ मैं तो रहता हूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कब से रहने लग गए? अभी से, आज ही से है? आज ही से। आज ही से? हाँ। तो क्या कर रहे हो पाकिस्तान में? कुछ भी कर रहा हूँ अभी है, कुछ तो कर ही रहूँगा। अच्छा हाँ चलो, पाकिस्तान से तनख्वाह मिलती होगी सर आपको? हाँ है, वहीं से मिलती है। में क्या कर रहे हो फिर? हाँ? फिर माचापुर एमपीवी में क्या कर रहे हो सर? अरे यार तुम कौन बोल रहे हो? अरे सर मैं बोल रहा हूँ पत्रकार सर। तो यार ऐसे बोलते हो, लाइट भी बंद है, मेरे पास तबियत फीडर है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, पहले तो आप एक बात बताइए सर, मैंने क्वेश्चन पूछा आप क्या पाकिस्तान में बताऊँ मैं पाकिस्तानी के बंदे क्या है? मैं ये का यही वर्जन लगाऊंगा सर आपका। रुको मेरी बात सुनो पहले, लगा देना जो लगाना होगा वो। मैं नरेश शर्मा बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप बोलते हो लाइट क्यों बंद है, भाई कहाँ की लाइट बंद है ये बताओगे? तो आपने बताया ना मेरे को पाकिस्तान का, उससे पहले मैंने बात की थी। पहले आपने क्या बोला था? यही पाकिस्तान बोला था आपने? नहीं नहीं, उससे पहले आपने क्या बोला था? मैंने सर लाइट क्यों बंद है, लाइट क्यों बंद है, कहाँ की बंद है बताओगे? तो मैंने कहा, आपने क्या कहा? पाकिस्तान की? नहीं तो आपने कहा, मैंने कहा आपने कहा कहाँ की लाइट बंद है? मैं माचापुर का संवाददाता बोल रहा हूँ, तो माचापुर की पूछूंगा ना श्रीमान। और पहले बात तो आपका नाम मेरे लिए और नंबर सेव नहीं है मेरे पास। और दूसरी बात, नहीं दूसरी बात और, आप जब माचापुर के सुपरवाइजर हो, माचापुर की पूछेंगे क्या? नहीं वो तो पूछेंगे, पर माचापुर में क्या माचापुरी है और क्या? माचापुर की माचापुर में पिपलिया कुल भी है, भगोरा है, धनोदा है, जाम गाँव है, तो आपने दुनिया भर के हैं। आपने फिर है? तो पाकिस्तान की क्यों कहा मेरे? नहीं तो आपने क्या कहा था? नहीं कहा ना, कोई लगूंगा मैं आपको और खबर लगूंगा। हाँ लगा देना यार, जो जाओ बिल्कुल लगूंगा। हाँ लगा दो। हाँ ठीक है। और सर आप मुख्यालय भी क्यों नहीं रहते हो यहाँ पर? आप तो लगा दो, जो लगाना हो लगा दो। नहीं तो मुख्यालय भी क्यों नहीं रहते श्रीमान? लगा दो, आपको जो लगाना है ना वो लगा दो। तो खबर तो लगाऊंगा, पर मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा हूँ एक और। नहीं आप ये नहीं पूछ सकते क्वेश्चन, आप मेरे अधिकारी नहीं हो तुम। अच्छा ठीक, आप मुझसे नहीं पूछ सकते। बिल्कुल ठीक, आपके अधिकारी का अच्छी चीज को मैं करता हूँ मैं। ठीक है ठीक। और इन्होंने जब एक इंसान से बात की तो उनके सेंटिमेंट्स आप सभी ने देखे होंगे। उन्होंने बोला कि मुझे क्या पाकिस्तान से, मुझे पाकिस्तान से ही सैलरी मिलती है और पाकिस्तान में ही लाइट गई हुई है। राजगढ़ को वो पाकिस्तान बता रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी की मानसिकता को उजागर करता है। हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है, हाँ इनके सीनियर ने भी बोला है, इनका बीच बचाव करते हुए कि इनकी पत्नी बीमार है, इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसीलिए इन्होंने भावनाओं में बहकर ये सब बातें कर दी होगी टेंशन में आकर। तो सर टेंशन में आकर आप अपने आप को हिंदुस्तानी बताइए, पाकिस्तानी मत बताइए। हम बड़ी अदब के साथ, बड़ी इज्जत के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर भारत का नागरिक अपने आप को पाकिस्तानी कहेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। और अगर किसानों से आप लोग अगर बदतमीजी करेंगे तो हम वो भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे सर क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। और राजगढ़ के माचलपुर क्षेत्र की ये घटना है जहाँ से माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी आते हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री जी, बिजली कर्मी पर जितनी सख्त कार्रवाई हो होने चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी बोला है। और हम देखना चाहते हैं कि कितनी जल्द कार्रवाई होती है। इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि अगर आदमी शुद्ध में भी नहीं है, शुद्ध मतलब किसी भी टेंशन में है, तो भी वो अपने आप को पाकिस्तानी कैसे बोल सकता है? सर आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी सरकार की आप तनख्वाह पाते हो और आप उनकी तनख्वाह पाकर अपने आप को पाकिस्तानी बताते हो, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। तो सर हम आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं, माननीय प्रियव्रत सिंह जी चिलचीपुर क्षेत्र के राजा साहेब, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। आप पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं किलचेपुर क्षेत्र से, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन बिजली कर्मी को
फटकार लगाइए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, और अगर आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो जिस मुंह से हमने आपका नाम लिया है खिंचाई के लिए, उसी मुंह से आपकी बड़ाई भी करेंगे। आप ऑडियो को पूरा सुन चुके हैं, आपने आकलन कर लिया होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। हो सकता है कि बिजली कर्मी वाकई में टेंशन में हो सकता है कि उसको वाकई में घर की दिक्कतें सता रही हो, लेकिन फिर भी अपने नेशनलिज्म मतलब अपनी जो राष्ट्रीयता है वो सबसे मुख्य होना चाहिए। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के बीच में जो फर्क है ना सर, उसके बीच में लाखों सैनिकों ने जान दे दी है, और आप राजगढ़ जिले में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैं पाकिस्तान से सैलरी पाता हूँ, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम किसानों का समर्थन करते हैं, हम किसानों के लिए इस वीडियो को बनाए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, किसानों के हक में शेयर कीजिएगा, और इस तरह के बिजली कर्मी पर ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह हम मांग करते हैं। आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे थे, और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। हम इसी तरह के ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं। राजगढ़ में जिस तरह की घटनाएं होती है वो वाकई में थोड़ी बहुत दुख देती है हमें भी, और हम चाहते हैं कि इन घटनाओं में थोड़ा सा सुधार आए, प्रशासनिक अधिकारियों में थोड़ा सा सुधार आए, नेताओं में थोड़ा सा सुधार आए, जितनी भी व्यवस्थाएँ बिगड़ी हुई है राजगढ़ में उनमें थोड़ा सा सुधार आए, और उनमें सुधार तभी आएगा जब आप लोग यानी कि जनता लोग हमारा सहयोग करेगी। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है सहयोग, लेकिन थोड़ा सा और धक्का लगा देंगे तो शायद हम मिलकर राजगढ़ बदल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।